आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की पैरागॉन हाउसिंग सिटी केस में जमानत के फैसले पर नजर सानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। नैब ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत का फैसला वापस ले। रूल्स के तहत नैब मुकदमात की तीन रुकनी बेंच समाअत कर सकता है, जबकि साद रफीक और सलमान रफीक को दो रुकनी बेंच ने जमानत दी है। नैब दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से करप्शन केस का ट्रायल मुतासर होगा। अदालती फैसले में लार्जर बेंच के वजह करदा असूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जमानत का फैसला मुख्तसर लिखा जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने दरख्वास्त में कहा कि अदालत उज़्मा के दो रुकनी बेंच ने 87 सफात का फैसला लिखा जो अदालती फैसले के खिलाफ है। अदालत अपने फैसले से पैराग्राफ नंबर 18 से 48 और 56 से 70 तक हज़्फ करे।